हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं सीएमए फाइनल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है लॉ, पेपर नंबर 13। एंड बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। देखिए बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर 3 ऑलरेडी पढ़ लिया है, पूरा सॉल्व कर लिया है। आप लोगों को चैप्टर 3 डिविडेंड कंप्लीट स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली पढ़ा दिया गया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोगों ने क्लास के अंदर भी सॉल्व कराए थे, टॉपिक वाइज सॉल्व किए। जिस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए, हमने क्लास के अंदर ऑन द स्पॉट सॉल्व कर लिए बच्चों। उसके अलावा हम लोगों ने एमसीक्यूज अलग से सभी चैप्टर्स के सॉल्व कर लिए, इस चैप्टर का भी सॉल्व। अब बच्चों, चाहे से हम ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं, बट आज की क्लास में हम चैप्टर 3 डिविडेंड से रिलेटेड एक तो वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि अभी लेटेस्ट सीएमए के एग्जाम के अंदर आए हैं 2023 में। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये लेटेस्ट अभी 23 के अंदर एग्जाम में आया था सीएमए फाइनल। उसके अलावा बच्चों, सीए के अंदर इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आए वो भी सॉल्व कराए जाएंगे। आप लोगों को पता है बच्चों, हम लोगों का पढ़ने का तरीका कैसे रहता है मोहित बंसल क्लासेस के अंदर, कि पहले हम लोग चैप्टर पढ़ते थे, चैप्टर के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो ऑन द स्पॉट सॉल्व करते हैं, हर चैप्टर के एमसीक्यूज पढ़ते हैं। उसके अलावा बच्चों, हम सीए के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, मतलब हर चैप्टर के लिए सीएमए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस सीए के क्वेश्चंस दोनों सॉल्व कराए जाते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर 3 डिविडेंड से रिलेटेड अभी जो लेटेस्ट सीएमए के अंदर 2023 के अंदर जो पेपर आया उसमें जो क्वेश्चंस आए वो सॉल्व करेंगे। उसके अलावा बच्चों, हम लोग सीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेम चैप्टर से आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व कर। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बच्चों अभी 2023 के अंदर सीएमए फाइनल के एग्जाम्स में आया है लेटेस्ट। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन इजी है। ये बोल रहा है कि एक्स वाई जेड लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, लेकिन उस कंपनी के पास में इस करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर इनफ प्रॉफिट्स नहीं है, एडिक्वेट प्रॉफिट्स नहीं है, पर्याप्त प्रॉफिट नहीं है, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी को, लेकिन फिर भी कंपनी 10% इक्विटी डिविडेंड पे करना चाहती है अपने करंट ईयर के प्रॉफिट्स एंड प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स फ्री रिजर्व्स में। तो बेसिकली क्वेश्चन अभी तक इतना बोल रहा है कि एक एक्स वाई जेड लिमिटेड नाम की कंपनी है, और बच्चों उस एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी के अंदर एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं है, उस एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी के अंदर एडिक्वेट पर्याप्त प्रॉफिट नहीं है बच्चों, लेकिन स्टूडेंट्स फिर भी वो कंपनी डिविडेंड इश्यू करना चाहती है। कितना? 10% ऑफ इक्विटी, उसकी जितनी इक्विटी है उसका 10% वो डिविडेंड देना चाहती है। कहां से देना चाहती है? करंट ईयर में जो भी प्रॉफिट्स उसके पास में हुए, इनफ प्रॉफिट्स नहीं हुए, बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं हुए, थोड़े बहुत तो हुए हैं करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से, प्लस फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स का मतलब है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स जो कि फ्री रिजर्व्स में डाल दिए गए। यहां तक की कहानी क्लियर है? हमको कंपनी का ये डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी अपनी इक्विटी का 10% डिविडेंड की तरह देना चाहती है तो फिर उसको कितना रुपया प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट जो कि रिजर्व्स के अंदर पड़े हुए उसमें से कितना रुपया निकालना होगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। मैं क्वेश्चन दोबारा से एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, क्वेश्चन समझना जरूरी है। स्टूडेंट्स ज्यादातर क्या करते हैं, क्वेश्चन पूरा समझते नहीं है, आंसर लिखने लग जाते हैं, वो नहीं करना है, ध्यान से सुन लो बच्चों। एक एक्स वाई जेड लिमिटेड नाम की कंपनी है, वो 10% ऑफ इक्विटी डिविडेंड की तरह अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहती है, ये उसका प्रपोजल है। क्लियर है बच्चों?
लेकिन और वो कहाँ से देना चाहती है? अपने करंट ईयर के जो प्रॉफिट्स हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट्स में से देना चाहती है, प्लस फ्री रिजर्व्स में से देना चाहती है। फ्री रिजर्व्स का मतलब है प्रीवियस ईयर के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो कि अब रिजर्व में पड़े हुए। तो इन दोनों में से टोटल मिलाकर वो इक्विटी का 10% डिविडेंड के तौर पर पे करना चाहती है। हमें कंपनी की यहां पर डिटेल दी हुई है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फ्री रिजर्व्स में से कितना पैसा कंपनी को निकालना पड़ेगा ताकि वो करंट ईयर के प्रॉफिट्स और पुराने प्रॉफिट्स को टोटल मिलाकर वो इतना डिविडेंड पे कर पाए। फ्री रिजर्व्स में से कितना पैसा निकालने की, विड्रॉ करने की जरूरत है, हमें ये कैलकुलेट कर। अब हम आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहली बात तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी कंपनी प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स मतलब फ्री रिजर्व्स में से पैसा निकालकर डिविडेंड देना चाहती है तो उसके लिए उसे तीन कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। हमने ये क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया। अगर कोई भी कंपनी अपने फ्री रिजर्व्स में से पैसा विड्रॉ करके डिविडेंड का पेमेंट करना चाहती है बच्चों, तो फिर उसके लिए बच्चों कंपनी को तीन कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है अगर वो फ्री रिजर्व्स में से पैसा विड्रॉ करके डिविडेंड पे करना चाहती है। अब वो तीन कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। उसने प्रीवियस थ्री फाइनेंशियल ईयर में जो डिविडेंड दिया उसको टोटल करके एवरेज निकालो, जो निकल के आता है उतना डिविडेंड मैक्सिमम कंपनी दे सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए, आज कंपनी करंट फाइनेंशियल ईयर में 2023-24 में खड़ी है सपोज कर, और आज वो फ्री रिजर्व्स में से पैसा निकाल के डिविडेंड देना चाहती है। पहली कंडीशन बोलती है मैक्सिमम वो कितना डिविडेंड दे सकती है। तो उसके लिए जो उसने थ्री प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर जो डिविडेंड पे किया था, सपोज करो इस वाले ईयर में 10% दिया था, इसमें 10% दिया था, इसमें 10% दिया था, तो उनका एवरेज निकालो, मतलब 10 + 10 + 10 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 10%, वो 10% तक डिविडेंड दे सकते। क्लियर एक चीज, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब वो रिजर्व्स में से पैसा निकालेगी डिविडेंड देने के लिए तो कितना पैसा मैक्सिमम निकाला जा सकता है? कंपनी की पेड अप कैपिटल, इस पेड अप कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ रही है, कंपनी की पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10% वो फ्री रिजर्व्स में से मैक्सिमम विड्रॉ कर सकती है, इससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकती। और विड्रॉ करने के बाद में उसको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल का कम से कम 15% अभी भी रिजर्व में कितना पैसा पड़ा हुआ, पूरा रिजर्व खाली नहीं कर। तो जब भी कोई कंपनी प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स मतलब फ्री रिजर्व्स में से पैसा विड्रॉ करके शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहती है, तीनों कंडीशन उसे फुलफिल करनी पड़ती है। मैक्सिमम कितना डिविडेंड दे सकती है, प्रीवियस थ्री इयर्स में जो डिविडेंड दिया है उसका एवरेज रेट जो आता है उतना, कितना विड्रॉ किया जा सकता है फ्री रिजर्व्स में से पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का 10% तक विड्रॉ किया जा सकता है, इससे ज्यादा विड्रॉ नहीं किया जा सकता। विड्रॉ करने के बाद में रिजर्व में कितना पैसा बकाया रह जाना चाहिए, रिमेनिंग रहना चाहिए, पेड अप कैपिटल का 15% बकाया रहना चाहिए, तीनों कंडीशन का फुलफिल होना मैंडेटरी है। क्लियर, हमने पहले ये तीन कंडीशन एक बार रिवाइज करी, हमें समझ में आ गया। अब हम ये देखेंगे कि हमें कंपनी का डेटा दिया हुआ है, कंपनी 10% ऑफ इक्विटी डिविडेंड की तरह देना चाहती है, करंट ईयर के प्रॉफिट्स भी देगी डिविडेंड के तौर पे, मतलब जो डिविडेंड देगी उसमें करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से भी पे करेगी प्लस फ्री रिजर्व्स में से पे करेगी। हम एक बार एक चेक कर लेते हैं कि करंट ईयर में उसके पास में कितना पैसा है डिविडेंड देने के लिए। जितना पैसा करंट ईयर में है उसको हटाकर हम चेक करेंगे कि अब उसे फ्री रिजर्व्स में से कितना पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात तो हम करंट ईयर का एक बार डेटा निकाल लेते हैं।
तो देखो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले बच्चों हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमको ओपनिंग बैलेंस ये दिया हुआ है 63, ये करंट ईयर का, एक तो हमने ये ले लिया, और उसके अलावा करंट ईयर का नेट प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 3,57,000। क्लियर है? तो ये करंट ईयर का हमको दिया हुआ है, मतलब 4,20,000 करंट ईयर में कंपनी के पास में अवेलेबल है। हमको पता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस वालों का माइनस करना पड़ता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है पहले उनको माइनस कर। क्लियर है? जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनका जो पैसा बनता है पहले उसको डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों का हमने माइनस कर लिया, तो इसका मतलब है कंपनी के पास में करंट ईयर में कितना पैसा अवेलेबल है डिविडेंड की तरह देने के लिए, 2,62,500। ये करंट ईयर में अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसका मतलब अब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी कितना डिविडेंड देना चाहती है, 10% ऑफ इक्विटी, इतना डिविडेंड देना चाहती है। तो इक्विटी कितनी है कंपनी के पास में, ये लिखा हुआ है 7,00,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब 7,00,000 शेयर्स हैं, एक शेयर ₹10 का है, मतलब 70,00,000 की इक्विटी है कंपनी के पास। तो टोटल इक्विटी कंपनी के पास में कितनी है, 70,00,000। इसका 10% कंपनी डिविडेंड की तरह देना चाहती है, मतलब 7,00,000 रुपया कंपनी डिविडेंड की तरह पे करना चाहती है, और उसमें से कंपनी के पास में करंट ईयर के अंदर कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, 2,62,500 करंट ईयर का अवेलेबल है। तो इसका मतलब कंपनी को प्रीवियस ईयर के, अब कंपनी के पास में करंट ईयर में कितना पैसा अवेलेबल है, 2,62,500, तो अब इतना टोटल डिविडेंड देना चाहती है, और इतना पैसा करंट ईयर के प्रॉफिट्स में अवेलेबल है, मतलब इतना तो वो करंट ईयर से ही डिविडेंड दे देगी। तो प्रीवियस ईयर के में से उसके पास में कितना अभी डिविडेंड देना बकाया रह गया, 4,37,500 टोटल इतना डिविडेंड कंपनी देना चाहती है। करंट ईयर के अंदर कंपनी के पास में इतना पैसा अवेलेबल है, अभी उसे इतने और पैसे की रिक्वायरमेंट है। अगर इतना और पैसा कंपनी के पास में हो तो वो इतना टोटल 7,00,000 का डिविडेंड दे पाएगी। अब उसके लिए हमको करना क्या है, अब हमको ये देखना है बच्चों, तीन कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। पहला, मैक्सिमम कितना विड्रॉ कर सकते हैं, प्रीवियस 3 ईयर्स में जो डिविडेंड दिया है उसका एवरेज, वो तो इस क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं क्योंकि हमें कहीं प्रीवियस 3 ईयर्स का डिविडेंड पे नहीं किया। दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं, मैक्सिमम कितना विड्रॉ कर सकती है कंपनी, मैक्सिमम विड्रॉ कर सकती है 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। अब क्वेश्चन के अंदर पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है पहले तो ये निकालो। देखो कंपनी के पास में बच्चों 70,00,000 के तो इक्विटी शेयर्स हैं, मतलब 70,00,000 की तो इक्विटी कैपिटल है, और उसके अलावा प्रेफरेंस कितनी है कंपनी के पास में, 17,500 शेयर से ₹100 का, 17,50,000 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसका मतलब 87,50,000 की तो कंपनी के पास में शेयर कैपिटल है, और क्वेश्चन के अंदर रिजर्व्स भी दिए हुए, 21,00,000 के रिजर्व्स। इनका टोटल मिलाकर 10% मैक्सिमम विड्रॉ किया जा सकता है। यही तीन कंडीशन पढ़ी थी हमने कि कंपनी जब भी प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में से डिविडेंड देना चाहती है तो उसके लिए कंपनी मैक्सिमम 10% विड्रॉ कर सकती है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। तो पेड अप शेयर कैपिटल तो कंपनी के पास में टोटल प्रेफरेंस इक्विटी को मिलाकर 87,500 है, और रिजर्व्स जो है कंपनी के पास में 21,00,000, इनका टोटल मिलाकर 10% कंपनी विड्रॉ कर सकती है, इतना मैक्सिमम। तो इनका टोटल मिलाकर 10% विड्रॉ कर सकती है 10,85,000, इतना कंपनी मैक्सिमम विड्रॉ कर सकती है, जबकि हमको एक्चुअली में रिक्वायरमेंट कितनी है,
437,500 की, तो सेकंड वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। हमें तो सिर्फ, क्योंकि टोटल डिविडेंड देना कितना है कंपनी को, 7 लाख, जिसमें से करंट ईयर के अंदर ही हमारे पास में 2,62,500 का अमाउंट अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर में से फ्री रिजर्व से कितना पैसा हमको चाहिए, सिर्फ 4,37,500। और विड्रॉ कितना किया जा सकता है, मैक्सिमम 10,85,000। मतलब सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल है, हम मैक्सिमम 10% के अंदर अंदर विड्रॉ कर रहे हैं। एक कंडीशन और है, विड्रॉ करने के बाद में रिजर्व्स के अंदर कम से कम 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल, अब की बात सिर्फ पेड अप कैपिटल लेना है। पेड अप कैपिटल कितनी है, 87,500, जिसमें से 70 लाख इक्विटी है, 17,50,000 आपका प्रेफरेंस है। टोटल 87,500, 50,000, इसका 15% अभी भी रिजर्व के अंदर रहना चाहिए। तो इसका 15% आप निकालो, कितना रहना चाहिए, 13,12,500। इतना अमाउंट रहना चाहिए विड्रॉ करने के बाद में रिजर्व्स के अंदर। क्लियर है चीज? अब देखिए एक चीज, रिजर्व्स अभी हैं कितने, 21 लाख। हम उसमें से कितना निकालेंगे, 4,37,500 रुपया हम निकालेंगे। तो कितना बच जाएगा रिजर्व के अंदर, 16,62,500। कितना बचना चाहिए पेड़ कैपिटल का, 15%, वो कितना है, मतलब 13,12,500 रुपया बचना चाहिए रिजर्व के अंदर। बच कितना रहा है, 16,62,500। मतलब ये सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, थर्ड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब है कंपनी रिजर्व्स में से कितना पैसा निकालेगी, 4,37,500। सिंपल क्वेश्चन, लेटेस्ट आया है सीएमए के अंदर, और बहुत सारे बच्चे इसको बहुत आराम से करेक्ट करके, मैं एक बार क्वेश्चन और दोबारा से समझा देता हूं बाय चांस अगर किसी को समझ में, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन सिंपल सी बात बोल रहा है कि एक्स वाई जेड लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, वो डिविडेंड देना चाहती है 10% ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी कितनी है उसके पास में, 70 लाख रुपए की इक्विटी है, 70 लाख की उसके पास में इक्विटी है, उसका 10% मतलब 7 लाख रुपए का डिविडेंड देना चाहती। डिविडेंड वो करंट ईयर के प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट दोनों में से देना चाहती है। तो करंट ईयर का प्रॉफिट उसके पास में कितना अवेलेबल है, 63 लाख और 3,57,000, मतलब 4,20,000 करंट ईयर का प्रॉफिट है, जिसमें से अभी 9% प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड जाएगा। तो 4,20,000 में से 3,57,000 माइनस, तो 1,57,500 माइनस हो जाएगा। इसका मतलब अब कितना बचेगा, 2,62,500। मतलब कंपनी 7 लाख का डिविडेंड देना चाहती है, जिसमें से 2,65,500 का डिविडेंड वो करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से दे देगी। तो उसको कितना पैसा प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स मतलब रिजर्व में से निकालना है, 4,37,500, इतना वो निकालना चाहती है। लेकिन निकालने से पहले हमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। पहला, प्रीवियस ईयर के 3 प्रीवियस ईयर में जितना डिविडेंड दिया उसके एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो हमारे पास में अवेलेबल नहीं, उसको छोड़ो। दूसरा, मैक्सिमम 10% विड्रॉ किया जा सकता है पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व्स का। पेड अप कैपिटल कितनी कितनी है, पेड अप कैपिटल है 70 लाख इक्विटी, 17,50,000 प्रेफरेंस और रिजर्व्स है 21 लाख। इसका मैक्सिमम 10% विड्रॉ किया जा सकता है, इसका मतलब है 10,87,500, जबकि हमको निकालना है 4,37,500। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। निकालने के बाद में कितना पैसा बच जाना चाहिए, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल 16 लाख कुछ समथिंग आ रहा है ना, सॉरी 13 लाख कुछ समथिंग आ रहा है। देखिए यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है, 13,12,500, इतना पैसा बच जाना चाहिए, जबकि रिजर्व में अभी पड़ा हुआ है 21 लाख। हम निकाल रहे 4,37,500, निकालने के बाद में कितना बच जाएगा, 16,62,500। बचना कितना चाहिए था, सिर्फ 13,12,500, ज्यादा बच रहा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है,
तो कंपनी 4,37,500 इजीली विड्रॉ कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बच्चों हमने सीएमए फाइनल का जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया है वो सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के सीए के अंदर जो क्वेश्चन आए उनको भी हम हाथ की हाथ सॉल्व कर लेंगे। सीएमए वाले हम क्लास के अंदर ऑलरेडी टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं, सीएमए का लेटेस्ट जो पेपर आया हुआ है उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हम लोगों ने। अब हम सीए के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे और हमारा ये चैप्टर 500% कंप्लीट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों।